नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो चुका है और इसलिए मैं अपने लैपटॉप के माइक से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आवाज़ में प्रोसेसर की साउंड और अलग से और साउंड्स आपको सुनाई देंगी, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है हैक्स एडिटिंग। हैक्स में दोस्तों दो टाइप के एंडिनेंस होते हैं। एक होती है बिग एंडिंग, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, एक से लेके चार तक, यानी कि सबसे स्मॉल डिजिट पहले और सबसे बड़ी लास्ट में, तो इसको हम बोलते हैं बिग एंडिंग। फिर होती है लिटिल एंडिंग। तो लिटिल एंडिंग में इसका बिल्कुल उलट होगा, ये होगी 4 3 2 1। तो दोस्तों, ये एक बेसिक है हेक्स एडिटिंग का। जब हम सॉफ्टवेयर को अनपैक करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो लिटिल एंडिंग में होता है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों, मैं इसको अभी हेक्स में ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर ये जितनी भी फिगर्स लिखी हुई हैं, ये जितने भी हेक्स को डेसिमल हेक्स कोड हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो लिटिल एंडिंग में ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये फाइल हमारी लिटिल एंडिंग में है। अब हमें इसकी वैल्यूज़ पता करनी है कि मान लो कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं 45 3D CD28, ये है क्या। तो इसकी वैल्यूज़ दोस्तों यहाँ नीचे शो कर रही होती है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, वो सेल भी हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे 4 5 6 7 के अंदर इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम इसका पता कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको हेक्स कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे, एक ये तरीका है कि आप इसको यहाँ हेक्स कैलकुलेटर में डालें और उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। एक है, आप एक ये कैलकुलेटर होता है, हमारे डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर है, उसी में आप स्टैंडर्ड, और मैंने प्रोग्राम वाला सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड में, साइंटिफिक और डेट कैलकुलेशन के लिए अलग अलग। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉपी नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे डेसिमल्स हम पेस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ डेसिमल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो उसकी हेक्स वैल्यू उन्होंने दे दी, ये होगी F00000। यहाँ पे भी वही है, F00000, क्योंकि कैलकुलेटर वो शुरू की 3 जीरो नहीं दिखा रहा दोस्तों, इस वजह से। तो दोस्तों, जो ये जो आपको वैल्यूज मिली है, इस वैल्यू की जो आपको हेक्स कोड मिले हैं, ये मिले हैं आपको बिग एंडिंग में, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर और जो विंडोज़ का कैलकुलेटर है और जो ये हेक्स का ये कैलकुलेटर है, ये बिग एंडिंग में इसको आपको शो करता है। और जबकि हमारी जो हेक्स फाइल है, जो फाइल हमने खोल रखी है, वो लिटिल एंडिंग में है। तो दोस्तों, हम इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 00000, फिर इसको 0F ना लिख के F0 लिखेंगे, और सॉरी 00000, फिर इसको 0F लिखेंगे, F0 नहीं लिखेंगे, फिर 00। तो आप अगर ये चेक कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न में ये लिखा हुआ है, इसी का उल्टा, ठीक है। अगर मान लो आप इसको जैसे ये लिख के आ रहा है बिग एंडिंग का, अगर सेम इसको बिग एंडिंग में लिख देंगे तो ये जो वैल्यू 983040 है, ये बिल्कुल बदल जाएगी दोस्तों। चलिए मैं बिग एंडिंग के अकॉर्डिंग इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले है 00, ठीक है, और फिर है 0F,
फिर 00 फिर 00। तो दोस्तों अगर ये मैंने डाल दिया इधर और अब आप देखिए इसकी वैल्यू 3840 हो गई है। अगर इसी का हेक्स कोड आपने कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे कि इसका हेक्स कोड क्या है, तो एक मिनट, ये बन के आई वैल्यू 3840 और इसका आ गया F00। ठीक है, तो क्योंकि ये बिग एंडिंग है दोस्तों, तो हम ऐसे टाइप करते हैं तो ये F, ठीक है, 00, इसने ये शो कर दिया इधर। अब हमने ये सेम वैल्यू यहाँ पे लेके आनी है 983040, तो उसके लिए हमने इसको लिटिल एंडिंग में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बिग एंडिंग में रिजल्ट है हमारा, और अगर हम यहाँ पे बिग एंडिंग में डालेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो हम इसको डालते हैं लिटिल एंडिंग में, 00 लास्ट से ले लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद फिर 00, फिर यहाँ पे 00, फिर नेक्स्ट है 0F, इसको हम F0 नहीं लिखेंगे, ये होगा 0F, ठीक है, 0F, एक मिनट, सॉरी 0F, फिर लास्ट में फिर 00। तो अब आप चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू अपने आप देख लो मैच हो गई है। तो दोस्तों ये हेक्स का को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, और दूसरा इसका यूज़ कहाँ पे है आपके लिए। जैसे अभी आप किसी, मैं आपको ये टेबल वाली फाइल खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये जितने भी पार्टीशन हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे पार्टीशन की डिटेल इस टेबल फाइल में है दोस्तों। जैसे कि ये बूट फाइल है, अब इसका क्या साइज़ है देखिए, इसका है 65536, ठीक है। अभी हम इसको हेक्स एडिटर में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ये बूट है, और सॉरी बैटरी रन नहीं लो, ये बूट है 1 2 3 4, ये बूट यहाँ ख़त्म हो गई 1 2 3 4। ये देखिए दोस्तों इसकी हेक्स वैल्यू यहाँ पे हमें शो हो गई है, ठीक है, ये एडजस्ट करना पड़ता है हर फाइल के साथ में, ठीक है दोस्तों। अभी मान लीजिए कि आपने कोई पार्टीशन चेंज करना है, और वो पार्टीशन चेंज करने के लिए जब आप यहाँ जो वैल्यू डालेंगे इन चार सेल्स में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये टेबल है वो कैलकुलेट करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा वहाँ जाएगा। मान लीजिए अभी ये 64 KB की बूट का जो यहाँ पे इसने एड्रेस दिया है और उसका साइज़ दिया है, तो अगर मान लो 128 KB की है, तो मैं एक सिंपल इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ। तो अगर आपकी बूट 128 KB की है और 1 KB में 1024 bytes होती हैं, तो आपका जो डेटा बनेगा वो बनेगा 1/31/072। तो आप यहाँ पुट करेंगे 1/31/072, ठीक है दोस्तों। पता नहीं क्या इशू था वो, तो इसका जो डेटा निकल के आ गया वो आ गया 000200000। अब अगर हम इसको सीधे डाल देंगे 000200000, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ और ही आएगी दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये बिग एंडिंग में कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इसको उल्टा डालेंगे 000002 फिर 00, तो हम यहाँ डालते हैं 00 ऑलरेडी है, फिर 00 ऑलरेडी है, फिर यहाँ 02 फिर 00 ऑलरेडी है। तो हमारी अब चेक करेंगे तो ये देखिए 1/31/072। अब आप अगर इस फाइल को सेव कर देंगे और जब आप अपना सॉफ्टवेयर को
इसको रीपैक करके दोबारा अनपैक करेंगे तो ये बूट फाइल है आपको 128 KB की मिलेगी, क्योंकि उस पे एड्रेस वो 128 KB का हमने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। दोस्तों हर एक हेक्स की एक वैल्यूज़ होती है, लिटल लैंडिंग में बिग एंडिंग में आपको डिफरेंस करना है, उसको कैलकुलेट करना है और उसको वहाँ पुट कर देना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात क्लियर होगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को कम से कम GX के हवाले से कोई नहीं बताएगा, और जिन लोगों को पहले से पता है वो अच्छी बात है, जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं उन चीज़ों उन दोस्तों के लिए काफ़ी काम आने वाली बातें हैं। तो अगर कभी आपने हेक्स एडिटिंग करनी है तो हेक्स एडिटिंग ऐसे ही कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।